वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है, इसकी मेजबानी कर रहा है हमारा प्यारा भारत। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत में वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं, इससे पहले भी कई बार इनका आयोजन भारत में हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार जब वर्ल्ड कप हुआ था तो देश का माहौल कैसा था? दरअसल भारत ने इस नए फॉर्मेट में कदम रखा साल 1974 में, लेकिन साल 1987 में जब भारत ने विश्व कप की मेजबानी हासिल की तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री डर गई। दरअसल टूर्नामेंट से दो महीने पहले एक ट्रेड मैगजीन में खबर दी गई कि हर हफ्ते 3 मैच होंगे। मैगजीन ने भविष्यवाणी की, यह सबसे बड़ा विरोधी है जिसके बारे में कोई सोच सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी। अभिनेता ऋषि कपूर ने एक जीवंत समानता पेश की, यह अब तक चलने वाली सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म है। इसमें 11 नायक एक टीम है और 11 खलनायक विरोधी टीम, जबकि 2 नायिकाएं भी हैं अंपायर। अगर आप चाहें तो जो मैदान पर डांस भी करेंगी। इस मल्टी स्टारर फिल्म के बजाय किसमें हमारी 1, 2 या 3 हीरो वाली फिल्में देखने में दिलचस्पी होगी। उपमहाद्वीप में विश्व कप की मेजबानी पहला संकेत थे कि खेल का केंद्र बदल रहा है। पहली बार टूर्नामेंट इंग्लैंड के बाहर हुआ था। मेजबानी हासिल करने के लिए भारत और पाकिस्तान ने रणनीतिक रूप से एक ऐसी पेशकश करने के लिए हाथ मिलाया था जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। रिलायंस ने खेल में कदम रखा, बड़ी कॉरपोरेट रकम लेकर आई कंपनी। 1987 में क्रिकेट के भविष्य की झलक दिख गई। 1996 में जब भारत ने फिर से विश्व कप की सह मेजबानी की, तब तक सैटेलाइट टीवी ने खेल समेत मनोरंजन के बारे में देश के विचार को बदल दिया था। 1970 के दशक के आखिर में कैरी पैकर ने जो कल्पना की थी, रंगीन कपड़े, डे नाइट क्रिकेट, कई कैमरों से कवरेज, वो सब अब मानक था। मेलबर्न में 1992 के रोमांचक विश्व कप फाइनल की तरह 1996 का सेमीफाइनल भी कलकत्ता में दूधिया रोशनी में खेला गया। इस समय तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के महारथी थे, दोनों के पास वीटो पावर थी, लेकिन बेलकॉम यानी पाक इंडो लंका ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी ने नकदी और आबादी का इस्तेमाल करके एक विजयी गठबंधन तैयार कर लिया। भारत का क्रिकेट बाजार रुपयों से बढ़कर डॉलर में खेलने लगा। देश की अर्थव्यवस्था अर्ध समाजवादी से उदारीकरण की ओर बढ़ गई। साल 2011 तक भारत 1.8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया था। BCCI विश्व क्रिकेट की सर्वोच्च शक्ति था। हालांकि विश्व कप की मेजबानी अभी बांटकर मिली थी, लेकिन वनडे को अब T20 से टक्कर मिल रही थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले इस नए फॉर्मेट को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन 2007 में T20 विश्व कप में टीम इंडिया की जीत के बाद खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। फिर BCCI को जी के स्वामित्व वाली ICL को भी बेअसर करना था। नतीजतन साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ और जल्द ही ये सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट बन गया। अब एक और विश्व कप 2023 हमारे सामने है। इस बार भारत एकमात्र होस्ट है। 2011 के बाद से मनोरंजन की दुनिया पहचान से परे हो गई है। टीवी अब भी सबसे ज्यादा दर्शक बटोरता है, लेकिन शहरों में डिजिटल बड़ा खिलाड़ी है और ये BCCI के खजाने को और बढ़ रहा है।